स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। कुशीनगर से सबसे पहले एक जानकारी आपको साझा करें, जहां बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी कुशीनगर के तुरकहा गांव पे बांटेंगे राहत सामग्री। कुशीनगर में बाढ़ ने पूरी तरफ से तबाही मचाई है। दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर से कुशीनगर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तुरकहा गांव में बांटेंगे राहत सामग्री। दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर से कुशीनगर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, बाढ़ प्रभावित इलाके का सर्वेक्षण वो करेंगे, तो बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी करेंगे। और सीएम योगी इस दौरान कुशीनगर के तुरकहा गांव में राहत सामग्री बांटते हुए नजर आने वाले हैं। और इस तरह समय समय पर वो तमाम जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ का वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और फिर ज़रूरत के हिसाब से वो लोगों को मदद भी मुहैया करवा रहे हैं। अक्सर वो इस तरह से सर्वेक्षण करते हैं और राहत बचाव कार्य में सरकार मदद करती है। और खाने पीने की वस्तुएं जो है वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की रवानगी जो है वो कुशीनगर के लिए हो जाएगी। तो बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण आज करने वाले हैं सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के तुरकहा गांव में जाएंगे और यहां पर राहत सामग्री बांटेंगे। कुशीनगर में बाढ़ ने चारों ओर तबाही मचाई है, तो योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के तुरकहा गांव में राहत सामग्री बांटेंगे। दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। वहां पर वो हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से स्थिति का जायजा ले रहे हैं और कितनी जगहों पर, कितने क्षेत्र में बाढ़ ने तबाही मचाई है उसका भी वो सर्वेक्षण कर रहे हैं। मौके पर अधिकारियों की टीमों को लगा दिया गया है। तमाम एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं जो कि राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। साथ ही साथ लोगों को हर संभव मदद का जो भरोसा है वो भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिया है। और लिहाजा ना केवल ये भरोसा है बल्कि वो धरातल पर मजबूत होते हुए मदद मुहैया करवाते हुए नजर भी आ रहे हैं उन तमाम बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों की। तो दोपहर 2:30 बजे हवाई सर्वेक्षण करने के लिए वो गोरखपुर से रवाना हो जाएंगे कुशीनगर के लिए। बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। हालांकि वो आज ही नहीं, बीते कई दिनों से लगातार वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और हर बार जब भी बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में बनती हैं तो वहाँ पर वो पहुँचते हैं और हवाई सर्वेक्षण कर वो जायज़ा लेते हैं। अधिकारियों की टीमों को भी उन्होंने तैनात किया हुआ है एहतियातन और लोगों की हर संभव मदद जो है वो पहुंचाई जा रही है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो 2:30 बजे रवाना भी हो जाएंगे। इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ मनीष मिश्रा मेरे सहयोगी कुशीनगर से बन रहे हैं और लखनऊ से मेरे सहयोगी मोहम्मद शबाब मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं कुशीनगर का रुख करना चाहूँगी मनीष आप ही का, क्योंकि कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे लिहाजा अभी तो वो रवाना नहीं होंगे, अभी 2:30 बजे का समय है। कुशीनगर में आप मौजूद हैं, क्या वहाँ पर परिस्थितियाँ हैं, बाढ़ की क्या हालात है वहाँ पर, लोग किस कदर परेशान हैं और क्या मदद उन तक पहुँचाई जा रही है अभी? मनीष, मुझे लगता है आपने गलती से म्यूट किया हुआ है, आप कृपया करके अपने आप को अनम्यूट कीजिए ताकि आप जो कह रहे हैं वो सुन पाए। हेलो मनीष,
आवाज मिल रही है आप तक जी? जानकारी दीजिएगा किस तरह के हालात है, क्या परिस्थितियां हैं कुशीनगर में? जी मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है, जो आज कुशीनगर में बीते दिन में जो बाढ़ आई थी लगभग आधा दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। आज बाढ़ प्रभावित लोगों से सीएम योगी आदित्य मुलाकात करेंगे, उनके बीच जाकर वो उनको राहत सामग्री बांटेंगे। साथ ही चित्तौनी कुशीनगर के खड्डा तहसील में आने वाले जो गंडक नदी का तटबंध है उसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही एक आयोजन कराया जा रहा है जो गांव में आयोजित होगा। जी ठीक है, अभी स्थितियों के बारे में आपने नहीं बताया, मैं उसके बारे में भी जानकारी लेना चाह रही थी। बहरहाल मोहम्मद शबाब मेरे सहयोगी बने हुए हैं। मोहम्मद, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उन तमाम क्षेत्रों का दौरा करते हैं और काफी लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि रूटीन तौर पर वो पहुंचते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हैं, हवाई सर्वेक्षण करते हैं और लोगों तक मदद पहुँचाते हैं। लिहाजा ऐसी कठिन परिस्थिति में सरकार का साथ होना और वो लोगों तक एक मैसेज देना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ये इलाके हैं जहां पर 15 जून के बाद से ऊपर जो बाढ़ शुरू होती है पहाड़ी इलाकों में, उनका पानी और नीचे बहकर आता है, फिर चाहे कुशीनगर के वो इलाके हों या फिर बाराबंकी के इलाके हों जहां पर घाघरा अपने जलस्तर के उफान पर होती है, या गोंडा के इलाके हों जहां पर घाघरा का पानी बढ़ता है तो दिक्कत होती है, कुशीनगर में गंडक का पानी बढ़ता है तो वहां पर गाँव प्रभावित होते हैं। तो ये सीधे तौर पर सरकार का एक बड़ा जिम्मा होता है कि वो अपने प्रदेशवासियों को जो है वो जरूरी उपलब्ध कराएं। इसके लिए बाकायदा लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मीटिंग के जरिए वहां के आला अधिकारियों से तारतम्य बिठाए रहते हैं। इसी कड़ी में आज जब वो कुशीनगर का दौरा करेंगे तो वो वहां पर स्थितियों का निरीक्षण करेंगे, वहां पर मीटिंग्स करेंगे, मुलाकात करेंगे। हवाई सर्वेक्षण इसलिए जरूरी होता है ताकि आप किसी भी विषम परिस्थिति का एरियल व्यू का निरीक्षण कर सके, एग्जैक्ट आपको पता चल सके कि कितने किलोमीटर के इलाके में ये बाढ़ जैसे हालात हैं, कितने गांव प्रभावित हैं और इन गांव में रहने वाले कितनी बड़ी आबादी है जो इससे प्रभावित हुई होगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जब एरियल सर्वेक्षण कर लेंगे उसके बाद जो ग्रामीण वासी हैं उनको राहत सामग्री बांटेंगे। इन राहत सामग्री में आटा दिया जाएगा उन लोगों को, चावल दिया जाएगा, केरोसिन का तेल दिया जाता है, दाल दी जाती है, कुछ मसाले दिए जाते हैं, नमक दिया जाता है, एक ये किट होती है तकरीबन 30-35 किलो की जिसको राहत सामग्री कहा जाता है, ये इन लोगों को दिया जाता है, जरूरतमंदों को दिया जाता है ताकि उनको जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनसे दो चार ना होना पड़े। इसके साथ ही साथ मौके पर जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां से जो विस्थापित हैं उनको सही सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है उनको सही जगह पर रहने की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिन किसानों के वहां पर खेत बह गए हैं जिनमें फसल लगी थी उनको उचित मुआवजा मिल सके, इसके लिए जो निरीक्षण का काम है वो भी किया जाएगा। अभी बाढ़ का पानी उतरने के बाद सबसे ज्यादा जो बड़ी विकट स्थिति पैदा होती है, आप ये समझिए कि बाढ़ के समय तो वहां के विस्थापितों के लिए मुश्किलें होती हैं, लेकिन जब पानी उतरता है उसके बाद वहां पर महामारी जैसे हालात हो जाते हैं, तमाम तरीके की बीमारियां वहां पर चपेट में लेने लगती हैं, क्योंकि पानी उतरने के साथ ही उमस बढ़ती है और उमस बढ़ने के साथ ही वहां पर तमाम तरीके की जो बीमारी है वो लोगों को चपेट में लेती है। तो ऐसे में मेडिकली सुविधाएं भी लोगों को मिल सके, इन तमाम चीजों के पूर्ण रूप से प्रबंध किए जा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और जो दूसरे विभागीय मंत्री हैं वो इन तमाम चीजों का खुद निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एक बार की कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कि लिहाजा जो लोग हैं जो और ना केवल कुशीनगर बल्कि ऐसे तमाम वो जिलों का दौरा कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं जहां पर बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र है वो लगातार वहां पर लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं कि लोग ऐसी कठिन परिस्थिति में अकेले नहीं है, सरकार उनके साथ है और खुद योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम वहां पर उनके साथ पहुंचते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं मनीष अपने सहयोगी का रुख कर लेती हूँ। मनीष, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी तरफ से चारों तरफ कुशीनगर में चारों तबाही का मंजर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी जिक्र भी किया, मोहम्मद शबाब ने, कि हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से आकलन किया जाता है कि कितने किलोमीटर तक कितने दायरे में जो तबाही है वो मची है। अभी क्योंकि आप तो वहां पर मौजूद हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्या उन तक वो भरोसा पहुंच रहा है, क्या उन तक वो मददें पहुंच रही हैं, क्या वो सहायताएं पहुंच रही हैं जो सरकार उन्हें दे रही है? जी मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर का ये ऐसा इलाका है लगभग जो कुशीनगर के आधा दर्जन गांव जो गंडक नदी के किनारे जो बिहार और महाराजगंज जिले की सीमा पे बसे हुए हैं, वहां पे जब भी गंडक नदी में बाढ़ आती है, वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो इन गाँव में बाढ़ जाती है।
ये हर साल इन गाँव की का ये परिस्थिति बन गई है, उनकी नियति बन गई है कि इस गांव में हर साल बाढ़ आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन गाँव का सर्वेक्षण कर इन गाँव के लोगों से मिलकर उनको अस्थायी रूप से बाढ़ से निजात दिलाने की एक पहल भी चल रही है कि इन गाँवों को या तो बिहार में दिया जाए या तो महाराजगंज में, क्योंकि ये इलाका ही नदी के उस पार है जो बिहार या महाराजगंज से काफी ज्यादा जुड़ा है। साथ ही इन लोगों में जो बाढ़ प्रभावित ये जो गांव थे इनको राहत सामग्री दी जाएगी। इनके जो गांव में जो दिक्कतें हैं, जो बाढ़ के बाद जो तमाम दिक्कतें आई हैं, उनके लिए भी काम किया जाए, इस तरह की बातें हैं। ठीक है मनीष, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।